आप सभी का स्वागत है हमारी रसोई में। आज मैं बनाने वाली हूँ ठेकुआ, जो बिहार की बहुत प्रसिद्ध मिठाई है और ये छठ पूजा पर ज़रूर बनाई जाती है। वैसे तो इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और बाउल में 1 कप आटा डालेंगे गेहूँ का और 1/2 कप डालेंगे सूजी, 1 चम्मच खरबूजे के बीज डालेंगे और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और इसमें गुड़ डालेंगे मीठा करने के लिए और इसमें थोड़ा सा मोइन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ को मिक्स करने के बाद इसमें नारियल का बुरादा डालेंगे 1/2 कप और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और अच्छे से आटे को मांड लेंगे। और थोड़ा सा दूध और डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से आटे को मांड लेंगे। आप देख सकते हैं आटा को टाइट ही मांड़े, ज़्यादा पतला नहीं मांड़े, नहीं तो अच्छी नहीं बनेंगे हमारे ठेकुए। अब हमने आटा मांड लिया है अच्छे से। आटा मांडने के बाद हम थोड़े से तिल लेंगे और आटे में से थोड़ी सी 1 लोई तोड़ेंगे और इसे गोल गोल करेंगे और ठेकुए बनाएंगे हम गोल आकार के और इस पर तिल लगाएंगे दोनों तरफ अच्छे से दाब के और इन्हें किसी भी आकार में ठेकुओं को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हम दोबारा लोई तोड़ेंगे और दोबारा ठेकुए बनाएंगे हम गोल गोल आकार के और हाथ से ही बनाने हैं, फिर इनमें तिल लगाने दाब दाब के, जो हमारे सेकने में तिल नहीं निकले। आप देख सकते हैं इसी तरीके के बनाने हैं सारे ठेकुए। आप देख सकते हैं हमने कितनी तरह के ठेकुए बनाए और इन्हें अब तलेंगे हम। हमारे फ्राई पैन में तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम ठेकुए तलेंगे और 1-1 करके जितने ठेकुए आएंगे इतने तेल में हम डाल देंगे और धीमी गैस पर ही ठेकुओं को तलें, जो हमारे अंदर तक ठेकुए तल जाएं। अब हमारे ठेकुए एक तरफ से सिक गए हैं, अब इन्हें धीरे धीरे करके दूसरी तरफ को पलट के सेक लेंगे। अब हमारे ठेकुए अच्छी तरीके से सिक गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और दोबारा में भी इसी तरीके से सारे ठेकुओं को तल लेंगे। इन ठेकुओं को पलट के सेक लेंगे। अब हमारे ठेकुए सिक गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे ठेकुए बनके तैयार हैं और ये छठ पूजा पर ज़रूर बनाए जाते हैं और ये खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।